हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सम यहां पे सॉल्व करेंगे, जो कि फॉर्मूला मेथड पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो कंपेयरिंग विथ किससे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ए कितना आ रहा है हम लोगों को दोस्तों, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है माइनस थ्री, सी का वैल्यू है हमारा माइनस टू। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर, देयर फॉर मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका वैल्यू ढूंढ लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या लगाना होगा यहाँ पे, फॉर्मूला, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस थ्री द होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन आया, 4 इंटू ए कितना है 1 है, और ये है हमारा माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 लिखा हम लोगों ने, फिर ये माइनस, 4 वन जार 4 और 4 टू जार 8, ये हो गया हमारा माइनस 8। अब ये कितना हो रहा है हम लोगों को, माइनस माइनस प्लस, और 8 प्लस 9 या फिर 9 प्लस 8 कितना होता है हम लोगों का, 17। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ गया है मेरे को, 17। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बाय यूजिंग, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2a, बराबर। ये है हमारा क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। अब हम लोगों को यहाँ पे फटाफट यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो ये कितना है हम लोगों का, माइनस तो दिया हुआ ये, और ये माइनस थ्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है, 17, ये लिखा, 2 इंटू ए, ए कितना आ रहा है हम लोगों को, 1, ये भी लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये रूट 17 है, तो इसको तो कोई किसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ला भी नहीं सकते हैं, ना ही ये 17 खुद किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट में, बराबर। अब ये क्या हो जा रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो ये हम लोगों ने ऐसा लिखा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा ये, 3 प्लस, क्योंकि एक बार हम लोगों को प्लस में लिखना है और एक बार हमारा ये जो रूट है वो क्या आएगा हम लोगों का, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम क्या हो चुका है यहाँ पे, कंप्लीट हो चुका है। तो ये x के दो रूट आ चुके हैं, 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करूंगा मैं, कंपेयरिंग करूंगा किसके साथ में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। तो मैं यहां लिखता हूं कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं, तो ए का वैल्यू है हमारा 3, बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है कितना दोस्तों, माइनस 7। अब क्या करूंगा मैं यहां पे, तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ढूंढ लेता हूं। तो बी स्क्वायर कितना है हम लोगों का, 2 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 इंटू ए कितना है, 3, और ये कितना है हमारा, माइनस 7 है, ठीक है। तो 2 टू सर क्या होता है भाई, 4 होता है, ये माइनस लिखा, 4 थ्री सर 12 और 12 7 सर कितना होता है, 84, बट ये माइनस में है तो माइनस का साइन लगा दो। यहाँ पे ये कितना आ गया प्लस करने के बाद में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 88,
बराबर माइनस माइनस प्लस होता है और 84 प्लस 4 हो जाता है हमारा 88। अब क्या करूंगा मैं यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग, क्या कर रहा हूं मैं यहां पे फॉर्म्यूला मेथड। अब हम लोगों को बराबर तरीके से ये फॉर्मूला को पुट करना है, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाएगा भाई 2a आ जाएगा। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है इसमें ज्यादा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को वैल्यूज पुट करने हैं। तो ये माइनस 2 प्लस और माइनस क्या करूंगा मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया भाई 88 आया, वो लिख दिया। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 88 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 88 मतलब हम लोगों को एक तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे नंबर, जब हम लोग इसको फैक्टर्स ढूंढेंगे इसका, तो वो जो एक नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं यहाँ पे कि 22 × 4 अगर हम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग 22 × 4 अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को 4 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस और माइनस, बराबर फिर मैंने क्या किया यहाँ पे 22 × 4 लिख दिया, और ये 2 3 सर क्या होता है भाई 6 होता है। अब ये माइनस 2 प्लस और माइनस, ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का, तो ये 22 अपॉन 6। अब क्या करूंगा मैं अगले स्टेप में, यहाँ पे ये जो 2 है ना इसको कॉमन ही निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2 यहाँ पे लिखा मैंने, बराबर फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्या डालूंगा यहाँ पे 1, बराबर यहाँ पे मैंने क्या लिखा माइनस 2 मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, माइनस तो कैसे निकलेगा, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस, बराबर फिर क्या आएगा ये हम लोगों का प्लस और माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ जाएगा रूट 22 अपॉन 6, बराबर समझ रहा है ये आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 1 2 और 2 3 क्या होता है भाई 6 होता है। तो अब हम लोगों का फाइनली यहाँ पे क्या आंसर होएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो ये दो आंसर हमारे यहाँ पे बन के आते हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये माइनस 2 कॉमन लिया था, हम माइनस 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये 1 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि माइनस 1 1 × 2 करेंगे तो हम लोगों को माइनस 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब चलते हम लोग फोर्थ सम की ओर, तो क्या है ये फोर्थ सम देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5m² - 4m - 2 = 0। इसको क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ये जो ax² + bx + c = 0 ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a = 5 b = -4 c = -2। अब क्या करूंगा मैं फिर से, तो b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो बी स्क्वायर कितना है 4² - 4 × 5 × c कितना है -2, 4 × 4 = कितना होता है 16, -4 × 5 = 20, 20 × 2 कितना होता है 40, बराबर ये -40 है। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने, तो ये कितना आ रहा है टोटल 56 आ रहा है। अब वापिस से ये जो 56 रहेगा, जब हम लोग ये स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब अगर आपको टेबल्स अच्छे से नहीं आते, तो आप ये जो ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार ये 56 का क्या होएगा। तो 2 लिखा मैंने, 2 × 2 = क्या होता है भाई 4 होता है, ये 2 × 8 = 16, फिर 2 डाला, 2 × 1 = 2, ये 4, फिर क्या हो जाएगा ये 2 लिखा हम लोगों ने, फिर ये 7 लिखा, फिर मैंने वापस से ये 7 लिख के ये 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो ये 2 × 2 कितना हो रहा है हम लोगों का 4 हो रहा है, और ये 2 × 7 = कितना होता है 14। तो मेरे को फैक्टर्स पता चल गए, 14 × 4 करना है हम लोगों को। हाँ, तो हम लोग वो
तब डाल देंगे। तो चलो हम लोग इसको फटाफट करते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बाय यूजिंग कौन सा मेथड, तो फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मेथड हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या है ये हम लोगों का टू है। अब हम लोगों को ध्यान से करना है इस सम को, तो जरा ध्यान दीजिए। तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस और ये माइनस फोर प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है हम लोगों को 56। अगले स्टेप में टू इंटू ए कितना है फाइव है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जरा फोकस कीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया और ये यहाँ पे 14 इंटू फोर करना है। अभी अभी हम लोगों ने फैक्टर्स ढूंढे थे इसके, क्वाई टू सर क्या होता है हम लोगों का 10 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिखा मैंने प्लस और माइनस, ये 2 आ जाएगा हम लोगों का बराबर स्क्वायर रूट में से और ये बचेगा क्या 14 और ये अपॉन 10। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना भूल गए, ये ऐसे माइनस का साइन भी डाल दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा क्या 2, फिर क्या हो जाएगा ये 4 प्लस और माइनस सॉरी ये यहाँ पे 2 आएगा और ये बच जाएगा हम लोगों का 14। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 10 लिखा, 2 वन जार 2 टू फाइव जार कितना होता है भाई 10 होता है। तो बस अब हम लोगों का सम पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाली हम लोगों को ये लिखना है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 और क्या आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। बस ये इतना सम था हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के। सेकंड थर्ड और फोर्थ सम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 के। आई होप कि आपको ये सब समझ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो एट फेसबुक। थैंक यू, जय हिंद।